हाय फ्रेंड्स, कैसे आप? फाइनली आप किसी और वीडियो लेकर आया हूँ। और फ्रेंड्स, आज इनके फ्राइडे, तो फ्राइडे के दिन बोलेंगे क्यू एन वीडियो अपलोड होता है। तो बहुत दिन बाद इनके क्यू एन वीडियो अपलोड हो रहा है। आप सबको बोल दें कि बहुत इनके अच्छे अच्छे जो कि सवाल है इनकी पूछे हुए है, मैं इनकी उसका जो कि बोलेंगे रिप्लाई देने के लिए ट्राई करूंगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आप इनकी वीडियो में बने रहे और क्यू एन वीडियो में इनकी आप देख पाएंगे। फ्रेंड्स, क्यू एन वीडियो में आप इनकी जो जो इनके सवाल पूछे हुए ना, उसका मैं डायरेक्ट वाइट स्टूडियो एप्लीकेशन से बोलेंगे स्क्रीन शूट कर लिया हो और उसके बाद बोलेंगे बताऊंगा। ठीक है, और आप इनकी जान पाएंगे। ठीक, क्यू एन वीडियो फ्रेंड्स इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मैं बहुत ही दोस्त का सवाल होता है ना, वो सेम होता है। ठीक है, तो सेम सवाल का फ्रेंड रिप्लाई बोलेंगे कि मैं दे देता हूँ, मगर फ्रेंड क्या होता है कि और दोस्त के पास इनकी वही इनकी क्वेश्चन बोलेंगे नहीं जान पाता है, तो मैं इनकी वहां पर जो कि पिकअप कर गया एक साथ जो कि बताता हूँ, तो बहुत ही दोस्त इनकी देख पाता है। ठीक है, सेम तो होता है, मगर फ्रेंड कोई क्वेश्चन ना फ्रेंड अलग अलग होता है। ठीक है, वो क्वेश्चन के आंसर बोलेंगे और दोस्त इनकी जान पाएगा और दूसरे का बोलेंगे और दोस्त इनकी जान पाएगा। ठीक है, इसके कारण बोलेंगे वीडियो इनकी नहीं बनाना पड़ेगा और आपको इनके मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड क्यों ने वीडियो बना रहे, प्लीज आप इनके लास्ट इनके देखते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मोबाइल से मैं आ गया हूँ और सबसे पहले फ्रेंड्स गैलरी को ओपन करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपके जितना इनके सवाल था ना, मैं इसके सीट पर सर रख लिया हूँ। ठीक है, तो गैलरी को फ्रेंड्स ओपन करने के बाद देखिए फ्रेंड्स इनके फर्स्ट इनके दोस्त इनके पूछ रहे हैं फर्स्ट आंसर है कि आई पी फिल्टर काम नहीं करता है। ठीक है, मैं इनके एक आई पी फिल्टर वाला वीडियो इनके बनाया था बहुत दिन पहले, जिसमें फ्रेंड्स इनके आई पी फिल्टर आप इनके बोलेंगे मोबाइल फोन में लगा देंगे ना, तो फ्रेंड्स क्या होगा कि आई पी फिल्टर के जरिए वो मोबाइल में फ्रेंड्स इनकी जिस इनकी वेबसाइट पर आई पी फिल्टर लगाएंगे तो बोलेंगे जिस URL में, तो वो उसके मोबाइल में जो कि नहीं चलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई पी फिल्टर वही है, तो आई पी फिल्टर के बोलने की यहाँ पर काम नहीं कर रहा है इनके दोस्त बोल रहे थे। फ्रेंड्स आप इनकी एक बार और ट्राई करिए। ठीक है, आपका सेटिंग होगा ना, इनकी ऑल्टर लग गया होगा, इसी कारण बोलने की आपका ये नहीं होता होगा। ठीक है, और ट्राई करिए, आप हो जाएगा। और फिर न्यू वीडियो में बहुत ही जल्द आई पी फिल्टर के बारे में लेकर आऊँगा, तो आप इनकी जान पाएंगे। ठीक है, कोई दोस्त अगर नहीं जान रहे हैं तो प्लीज़ आई आइकन पर लगा दूंगा, वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा। फिर सवाल को और चलते हैं, सेकेंड सवाल फ्रेंड्स इनके देखिए यहाँ पर लिख रहा है WPS इनेबल करने वाला मैं वीडियो बनाया था हस्पन सारे जी फिर से, कि WPS इनेबल करने के बाद राउटर में WPS का बटन से कनेक्ट होगा। तो देखिए, मैं WPS बटन से बोलेंगे कनेक्ट नहीं होगा, आप इनके मोबाइल में WPS एप्लीकेशन होता है। ठीक है, वो डाउनलोड कर लीजिए इंस्टॉल, और उसके बाद बोलेंगे ट्राई करेंगे तो आपको बोलेंगे और कनेक्ट इनके राउटर इनकी हो जाएगा। ठीक है, इस वाला वीडियो आप इनके कोई दोस्त अगर नहीं देखे हुए तो जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल को चलते हैं। और उस बार फ्रेंड इनकी यहाँ पर SSID में जो कि दोस्तों की पूछी हुई है और सब फांगू जी कि हेलो मेरे से गलती से SSID ऑन टिक हो गया और साइट ओपन नहीं हो रहा है और नई वाईफाई शुरू हो रहा है, प्लीज सोल। तो चलिए मेरे दोस्त, आप इनके ऐसे प्लान फंस गए थे, कुछ नहीं करिए, डायरेक्ट बोलेंगे आप पीछे तो लैपटॉप में लाइन के बगैर फिर इनकी करेंट करिए और आपका डिफॉल्ट SSID 1 है ना, वो इनकी टिक हटा कर और बुलेन के आप सेव कर दीजिए, आपका करंट हो जाएगा। ठीक है, यही एक ऑप्शन लेने पर सेकेंड ऑप्शन में आप रीसेट करेंगे तो इनके होगा। चलिए अगले सवाल को चलते हैं। आप अगले सवाल फिर बोलेंगे डी कम राठौर इनके दोस्तों के पूछे राजकुमार यादव जी कि डिश सम के SSID 2 इनेबल कैसे करें। तो चलिए मैं तो डिश सम का SSID इनेबल कैसे करते हैं, डिश सम राउटर मेरे पास नहीं होने के कारण बोलेंगे मैं इनकी वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे पास डिसोम का राउटर नहीं है। ठीक है, तो मैं डिसोम का बोलें कि आप अगर SSID इनेबल करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम संतोष परौना 1 पर आइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ, वहाँ पर मैं आपको इनकी बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल को चलते हैं। और आप अगले सवाल बोलें कि मैं इनके पोस्ट कर रहा था ना, उसमें दोस्तों की बालवीर जी पूछ रहे कि नीतीश में राउटर में SSID 1 में मैक एड्रेस कैसे लगाए। तो चलिए मैं दोस्तों नीतीश राउटर बोलेंगे मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो आप इंस्टाग्राम पर आइए और मैं इनकी वहाँ पर आपको बता दूंगा बोलेंगे मैक एड्रेस इनकी कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको बता दूँ कि यहाँ पर नीतीश राउटर में मेरे पास नहीं होने के कारण बोलेंगे मैं इनकी वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगा, तो कौन कौन दोस्त को बोलेंगे क्या का प्रॉब्लम है, प्लीज़ इंस्टाग्राम पर आइए, मैं इनकी वहाँ पर आपको प्रॉब्लम जो कि सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल को चलते हैं। और आप अगले सवाल फ्रेंड देंगे फिर से पोस्टमैन की दोस्त पूछिए नेपाल वर्ल्ड कैरम बोर्ड जी कि आई नीड योर हेल्प। चलो मेरे दोस्त, कोई भी हेल्प लेना है प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पर आइए, मैं इनकी वहाँ पर आपसे बातचीत करूँगा। ठीक है, तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को चलते हैं। और उस सवाल फ्रेंड IME में इनके दोस्त पूछे यूजर जी कि प्रो स्मार्ट TV में क्लियर TV ऐप इंस्टॉल कैसे करके लॉगिन कैसे करें वीडियो प्लीज। चलो मैं दोस्त स्मार्ट TV में ऐप इंस्टॉल कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए मैं ट्राई करूँगा बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करने के लिए। ठीक है, अगर कोई दोस्त क्लियर TV लिए हुए है तो प्लीज़ थोड़ा डिटेल आप इनके कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, फिर क्या कर जो करना होगा। ठीक, क्लियर TV में। चलिए अगले सवाल को चलते हैं। अगले सवाल फ्रेंड्स इनके यहाँ पर विदेश में रहकर दोस्तों को पूछ रहे हैं, मैं वीडियो बनाया था उसी में दीपक कुमार जी की, सर विदेश में रहकर नेट से कैसे वाईफाई पासवर्ड चेंज होगा प्लीज रिप्लाई।
चलिए मेरे दोस्त, विदेश में रहकर आप इंसेंस कर पाएंगे यही सेम वीडियो देखिए लास्ट तक आपका मिल जाएगा। नहीं तो फिर सीबीएसई एप्लीकेशन के जरिए आप दुनिया कोई भी कोने में रहकर आप बैंक के पासवर्ड चेंज कर पाएंगे। मगर फिर क्या होगा कि फर्स्ट टाइम बोलेंगे लॉग इन रजिस्टर करने के लिए आपका वो नंबर ओटीपी आएगा ना, वो लॉग इन रजिस्टर करने के लिए वो पूछेगा, ठीक है, तो वो तो देना पड़ेगा। तो चलिए ओटीपी आप इनकी ले लीजिए घर पर, कोई इनकी आपका साथी वहाँ से मंगवा लीजिए, नहीं तो घर से आपका कोई बोलेंगे आदमी वहाँ से, और आप बोलेंगे सीबीएसई एप्लीकेशन के जरिए भी बोलेंगे विदेश में रहकर पासवर्ड इनकी नोके वाई फाई राउटर का चेंज कर पाएंगे। चलिए अगले सवाल को चलते हैं। अगले सवाल फ्रेंड सीबीएसई नेट क्लियर टीवी में इनकी वीडियो बनाया था, उसमें दोस्तों पूछ रहे हैं मिश्रा राजन जी कि भाई सीबीएसई के प्राइमरी राउटर नोकिया की जगह डी लिंक के राउटर को प्राइमरी बना सकते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त, कोई भी अलग कंपनी का राउटर अलग में इनकी नहीं लगेगा, ठीक है, सपोर्ट नहीं करेगा। मगर फ्रेंड्स आप चेक करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इनकी चेक करिए, अगर सक्सेस हो जाएगा तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि फिर मैं इनकी सक्सेस बोलिंग की शायद ही होगा। मैं इनकी ट्राई नहीं कराऊँ, मगर फ्रेंड्स बोलिंग मुझे मालूम है, मैं इनकी कस्टमर केयर पूछा था तब बोलिंग बोला था वो इनकी कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है, मगर आप एक बार ट्राई करिए होगा या नहीं होगा। चलिए अगले सवाल को चलते हैं। अगले सवाल फ्रेंड, मैक एड्रेस लगाने के बाद वाईफाई इनकी फिक्स नहीं होता, इसी में दोस्तों बोल रहे हैं रोहन जी कि भाई मैक एड्रेस लगाकर मैक एड्रेस नहीं रखा रहा है और करेक्ट नहीं हो रहा है। चलिए मेरे मैके पर तो मैक एड्रेस बोलेंगे लगाने के बाद आप इनके मैक एड्रेस बोलेंगे लगा दिए, ठीक है। तो लगाने के बाद फ्रेंड अगर आपका वाईफाई हाइड है ना, तो फ्रेंड हाइड है ना तो मोबाइल में इनकी आपका वाईफाई का नेम और बोलेंगे पासवर्ड डालकर कनेक्ट करना पड़ेगा, तो इनके मोबाइल कनेक्ट होगा, ठीक है। अगर फिर मैक एड्रेस आप इनकी ऐड करना चाहते हैं तो मोबाइल का नेम नहीं शो हो रहा है ना, तो फ्रेंड्स इनके होम नेटवर्क में जाकर और आप मोबाइल के इनके आईपी एड्रेस देकर मैक एड्रेस देकर लगा लेंगे तो इनकी मैक एड्रेस आपका लग जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल को चलते हैं। और यहाँ पर अगले सवाल फ्रेंड इनकी बोला है हाइड क्यू आर कोड, इनकी मैं इनकी वीडियो बनाया था उसमें उदय शाह जी की 5 GHz राउटर में क्यू आर कोड कैसे बंद करें। तो चलिए मैं तो 5 GHz राउटर में सेम इनके प्रोसेस आप ट्राई करिए, आप कहेंगे प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा, ठीक है, इनकी लग जाएगा। चलिए अगले सवाल को चलते हैं। और यहाँ पर संतोष परवन ऑफिशियल इनकी लिख रहा है, सॉरी इनकी आयुष मंडल जी लिख रहा है कि सर मेरे पास पीसी है उसमें वाईफाई का ऑप्शन नहीं आता है। चलिए मेरे सबका पास पीसी है वाईफाई का ऑप्शन नहीं आता है तो क्या होता है, फिर सबका पास इनकी पीसी है तो कोई पीसी में वाईफाई का ऑप्शन नहीं होता है तो लाइन केबल से कनेक्ट करिए, किया क्यों नहीं होता है फ्रेंड्स, क्या है ना उसमें एक और डोंगल लगाना पड़ता है, ठीक है, यूएसबी डोंगल होता है ना, यूएसबी बोलेंगे आपका होगा वही वाईफाई कनेक्ट करता है और मोबाइल हॉटस्पॉट, तो फ्रेंड्स वो आप किट कर लगा लीजिए, अगर हाई तो 300 रुपये में आपको मिलेगा तो इनके आपका वाईफाई का ऑप्शन इनके आने लगेगा और आप वायरलेसली वाईफाई इनके कनेक्ट कर पाएंगे। तो इतना ही सवाल आप इनके पूछे हुए थे और मैं इनकी ट्राई कर आपको इनकी रिप्लाई देने के लिए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए और थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक से जरूर करिए, चैनल पर नए और सब्सक्राइब का बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए इन करते वीडियो को कोई भी सलाह सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।